जो आतंकवादी, जो हमलावर धर्म पर आधारित होकर अपनी जान कुर्बान करने के लिए उस विचारधारा से जो है पोषित है, वो मरने के लिए आया है। कोई दीन दया धर्म उसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी पुलिस और सेना ने जितनी जल्दी उस आतंकवादी को पकड़ लिया, ये भी सराहनीय बात है। और जो वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हम ऐसे दंगे करवाएं, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़वाएं, फसाद बढ़वाएं, वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। इसका श्रेय बहुसंख्यक हिंदुओं को ही जाता है। इसको रोक पाना आर्मी, पुलिस और केंद्र सरकार के बस की बात है, यथासंभव प्रयास भी होते हैं। फिर भी जो मैंने कहा, वो कुछ एक मोहल्लों में, घरों में, शहरों में जो देश के दुश्मन सीमा से बाहर हैं वो अलग, जो हमारी सीमा के अंदर घुसे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करने में बहुत दिक्कत आती है। और इन सब दुष्कर प्रयासों को हमारे सब लोग मिलकर हल कर रहे हैं, आर्मी भी, हमारा नेतृत्व भी, सब लोग वो बधाई के पात्र हैं। और ये बीमारी अब लग रहा है समाप्त होने की ओर है। एकाध ऐसा ही सर्जिकल स्ट्राइक 3 हो जाएगा जब, फिर पाकिस्तान और उसके आकाओं, देश के बाहर, देश के अंदर वालों की समझ में आएगा कि हम गलती पे हैं, ये इसका इलाज नहीं है। उस दिन ये नेस्तनाबूद हो जाएगा। ये उनकी खिसियाहट है जिस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत पाकिस्तान में जाके मोदी जी को हटाने की बात करते हैं, भाजपा सरकार हटाने की बात करते हैं, वो खिसियाहट उनकी अब बोल रही है। वो हमारी भाजपा और मोदी जी के खिलाफ बोलते बोलते अब वो देश और आर्मी के खिलाफ बोलने लग गए हैं। आम जनमानस अब इसको समझ गया है। आप प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर देखें, लोग उनके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। लोग उनको अब देशद्रोही कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं। इन शब्दों का कॉमन मैन प्रयोग कर रहे हैं, नेता नहीं प्रयोग कर रहे हैं आप। ये सब वोटों की राजनीति के सौदागर हैं। और कांग्रेस ने तो 47, 84, 71 क्या क्या गिनाऊं मैं आपको, आज तक किया ही यही है। अब जब हिंदुस्तान की जनता को समझ में आ गया, तब उनके अंदर फड़फड़ाहट है। ये फड़फड़ाहट आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी जो है 2019 में उनको समझा देगी और दूर हो जाएगी।